इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। वजह है राज्यों को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन डोज का न मिलना। पर्याप्त वैक्सीन डोज नहीं मिलने का आरोप राजस्थान सरकार भी केंद्र पर लगाती रही है, लेकिन केंद्र ने यह दावा किया है कि राजस्थान में 11.5 लाख वैक्सीन की डोज बर्बाद कर दी गई। राजस्थान में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए। राजस्थान में वैक्सीन डोज लगाने की रफ्तार बहुत धीमी है। राजस्थान में वैक्सीनेशन करीब करीब ठप है और इसकी वजह है राज्य को वैक्सीन डोज कम मिलना। ऐसा आरोप राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर लगा रही है। राजस्थान सरकार का आरोप है कि जितनी वैक्सीन मांगी गई उसके मुकाबले चौथाई भी नहीं मिली। लेकिन राजस्थान सरकार के इन आरोपों पर अब केंद्र ने आंकड़ों के साथ गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11.5 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज बर्बाद कर दी गई। अप्रैल महीने में 7% तो मई में 3% वैक्सीन डोज बर्बाद हुई। लगातार एक आपके पास लाभार्थी पहुंचा, आपने मोबाइल को खोल दिया। अब 4 घंटे तक अगर लाभार्थी नहीं आएंगे तो 7-9 जो डोज हैं वो बर्बाद हो रही हैं। और यही वजह है, चाहे उस स्लॉट की वजह से आप लगा नहीं पा रहे हैं या फिर आप बिना लाभार्थियों की संख्या को सुनिश्चित किए हुए आपने वॉयल खोल दी, ये तमाम तस्वीरें आपकी डोज की बर्बादी की संख्या को बढ़ा रही हैं। और राजस्थान में आंकड़ा 11,50,000 के आसपास पहुंच चुका है डोज बर्बादी का। इसको बचाने का यही तरीका है कि जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना की जाए और किसी भी वॉयल को तब तक ना खोला जाए जब तक कि 10 लाभार्थी आपके पास सुनिश्चित नहीं हो, यानी कि निर्धारित समय पर 10 लाभार्थी आपके पास सेंटर पर पहुंच जाएंगे तभी वॉयल खुल जाए। लेकिन फिलहाल जो लापरवाही की तस्वीर आ रही है वो चिंताजनक है, डरा रही है। एक और जहां एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं इस तरह लाखों डोज की बर्बादी राजस्थान में हो रही है। राजस्थान के 8 जिलों में 35 वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 वायल डस्टबिन में मिले हैं, जिससे करीब 2,500 से ज्यादा डोज लग सकते थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी चूरू जिले में हुई है। यहां करीब 40% वैक्सीन बर्बाद कर दी गई। इसके अलावा भरतपुर, हनुमानगढ़, कोटा में भी काफी तादाद में वैक्सीन डोज खराब कर दिए गए। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत होने लगी। लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान के कई जिलों से, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि डोज बर्बाद हो रही है। आपने ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है कि डोज बर्बाद नहीं हो और हर किसी को लगे? नहीं, हमारे यहाँ जीरो वेस्टेज वाला सिस्टम है। जीरो वेस्टेज ही नहीं, रादर हम प्लस में लगा रहे हैं। रादर एक वैक्सीन की जो वायल है उसमें 10 डोज आती हैं, बट अगर जुडिशियसली यूज किया जाए तो कुछ वायल्स में वो बचने की संभावना रहती है। जैसे लास्ट के डोजेज, जैसे अपने 10 डोज वायल में है और 7% उसमें आए, तो जो 3 वायल जो बचती हैं, 3 डोज जो बचती हैं वो हम उन लोगों में यूज करते हैं। जो ही लगभग 1 बजे के लोगों भीड़ थोड़ा कम हो जाती है, कम होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें हम लोगों को ये देख लेते हैं कि 10 लोग हुए या नहीं। जब 10 लोग हो जाते हैं तो उन लोगों को बैठा लेते हैं, 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और 1 वायल खोलते हैं। अगर 10 लोग नहीं होते हैं तो हम वेट करते हैं, और 5 या 6 लोग हो जाते हैं तो फिर हम वायल को फिर खोलते हैं। ऐसा नहीं करते कि 2 लोग आ गए और हम पूरी वायल खोलते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते। उन लोगों को दूसरे दिन बुला लेते हैं। जरूरत है इस बात को समझने की कि इस वायल में अगर 10 आ रही हैं तो आप 10 का वेट कीजिए, 10 को आने दीजिए, इसके बाद आप वैक्सीनेशन शुरू कीजिए। यानी कि पूरी तस्वीर में आप एक बात समझ गए होंगे कि इस बर्बादी में कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी सामने आ रही है। हमारे यहाँ जीरो वेस्टेज वाला सिस्टम है। जीरो वेस्टेज ही नहीं, रादर हम प्लस में लगा रहे हैं। रादर एक वैक्सीन की जो वायल है उसमें 10 डोज आती हैं, बट अगर जुडिशियसली यूज किया जाए तो कुछ वायल्स में वो बचने की संभावना रहती है। हालांकि राजस्थान सरकार दावा कर रही है कि राज्य में सिर्फ 2% ही वैक्सीन डोज बर्बाद हुए हैं। केंद्र वैक्सीन उपलब्ध भी नहीं करा रहा है और जो नीति उन्होंने बनाई थी उसके तहत पूरे देश में हर स्टेट में वैक्सीन बर्बाद हुई है। राजस्थान वैक्सीन लगाने में पूरे देश में प्रथम राज्य है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई, और 13वें नंबर पे है जहां वेस्टेज हुई हैं। 12 राज्य अन्य भाजपा शासित हैं जहां पर वैक्सीन वेस्ट हुई है, क्योंकि वैक्सीन लगाने की और वैक्सीन देने की दोनों ही नीतियां केंद्र सरकार की गलत थी। सवाल है कि जो वैक्सीन किसी की जिंदगी बचाने के लिए है उस वैक्सीन को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो वैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद नहीं होना चाहिए। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।